तो आज हम बनाएंगे गोलगप्पे, ठीक है, पानी पूरी जो बोलते हैं ना, गोलगप्पे वो हम बनाएंगे, और वो भी गेहूं के आटे और थोड़ी सी सूजी से। जो घर पे आपके गेहूं का आटा होता है ना, हम उससे गोलगप्पे बनाएंगे। ये मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है, इसमें मैं 2 बड़े चम्मच सूजी डालूंगी। आप प्योर सूजी से भी बना सकते हैं इसको, या सिर्फ गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे बस, और थोड़ा सा ऑयल 1 छोटी चम्मच, ज्यादा नहीं, बस 1 छोटी चम्मच बस। अब हम इसको गूंथ लेंगे पानी से अच्छे से, और अच्छे से मसल मसल के इसको गूंथ के करेंगे। अब हम इसको ऑयल लगा के थोड़ी देर रेस्ट करने रख देते हैं, बाद में हम इसके गोलगप्पे बनाएंगे। ये हमारा आटा रेस्ट हो गया है, अब हम इसकी लोइयां बना लेंगे और इनको भी एक साथ बेल के थोड़ा ऑयल से चिकना करके छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। या आप ऐसा करें कि एक रोटी की लोई के जैसा बड़ा बेल लें, और फिर किसी कटर से एक समान आकार की बराबर बराबर काट लें। मैं तो छोटी छोटी ही बनाऊंगी अलग अलग। और इनको अच्छे गरम तेल में फ्राई करते हैं, ज़्यादा तेज गरम में, तभी ये फूलेंगी। ये देखिए इस तरह से ऐसे सारी बना लें, ठीक है, लोई बना के इनको आराम से जैसे लंबा गोल जैसा आपको बेलना है ऐसे बेल लें, पर ज़्यादा पतली ना बेलें, बस इस तरह से हल्के हाथ से इनको बेलना है, ज्यादा वजन भी नहीं देना। ये देखिए ये मैंने लंबी बना दी है। सिर्फ सूजी से भी आप गोलगप्पे बना सकते हैं, और सिर्फ आटे से भी बना सकते हैं। मैंने दोनों को मिक्स कर दिया है, फूले फूले पानी पूरे। और आजकल लॉकडाउन में तो बाहर खाना भी ठीक नहीं है, खैर लॉकडाउन तो नहीं है पर लेकिन फिर भी बाहर खाना थोड़ा रिस्की है, इसलिए आप घर पे बनाएं चाट और मजे से खाएं। देखिए तेल हम चेक कर, तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें अपनी गोलगप्पे की पूरियां तल लेते हैं, इसे हिलाते जाए और इसको डालते जाए एक एक करके। देखा कैसी फूल रही है, और हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला आटे में, सिर्फ नमक डाला है। कैसे फूले फूले हमारे गोलगप्पे बने हैं, उनको निकाल लेते हैं अच्छे से ऑयल को। ये देखिए लग रहा है ना, इसी तरह से हम सारे गोलगप्पे की पूरियां हैं उनको तल लेंगे। बस चमचे को आप ऐसे हिलाते रहें, कलछी को, और इनको डालते जाए एक साथ। पहले पूरी तल बेल के रख लें आप, और फिर इनको तलते जाए। एकदम फूल रही है ना सारी, इतनी अच्छी से। ये देखिए अब इनको पलट दे। अब हम इसमें पानी वाली में प्याज, आलू
और ये स्प्राउट डालेंगे। अगर आपके पास स्प्राउट नहीं है तो सिर्फ आलू से भी इनको बना के आलू प्याज मिला के खा सकते हैं। ये पापड़ी चाट के लिए मैंने जैसे सब करते हैं नॉर्मली प्याज आलू स्प्राउट दही देखिए मीठी चटनी नमक